गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को दिलाई थी शपथ। भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के 17वें सीएम। कांग्रेस ने शुरू किया पराक्रम का दूसरा फेज। 30,000 कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा ट्रेनिंग। टिकट का दावा करने वालों पर भड़के बीजेपी विधायक। कहा अमित शाह को भी नहीं पता कहां से लड़ना है चुनाव। विधायक का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर जारी। 24 घंटे में 10 लोगों की हुई मौत। बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 153 पहुंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बुधवार यानी कि आज मंत्रिमंडल का शपथ समारोह है। ऐसे में हालांकि अभी साफ तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि इस बार नए और युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा। और ऐसे में मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए बीते दिनों में लगातार मंत्री बीजेपी कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इस बात की भी पूरी संभावना है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई पुराने मंत्री नए सीएम के साथ भी बने रहेंगे। बता दें कि भूपेंद्र सिंह और ऐसे में आरसी फलदू और कौशिक पटेल विजय रूपाणी के मंत्रिमंडल में मौजूद थे। ऐसे में अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टी खास तौर पर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। तो ऐसे में आज पूरी उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा गुजरात में और कई नए चेहरों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले साल गुजरात में अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर अभी से पार्टी जो है पूरी तरह से तैयारियां कर रही है और इसीलिए नए मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाई गई पहले और उसके बाद आज मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर से होगा और ऐसे में कई नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए गुजरात से प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या कुछ अपडेट है? मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने वाला है, कितना समय और लगेगा? देखो, मंत्रिमंडल का विस्तार पारुल, मैं आपको बता दूं पहले तो कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तो जो ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी विधायक है उन्हें 11 बजे तक गांधीनगर उनको बुला लिया गया है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं किया गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार विवरण जो होने वाला है वो आज ही होने वाला है या फिर कल होने वाला है, क्योंकि जो पहले बताया गया था 16 सितंबर को मंत्रिमंडल का जो विवरण होने वाला था, लेकिन रात को ही एक क्लियरेशन हुआ सूत्रों के आधार से कि भाई जो मंत्रिमंडल का विवरण है वो आज यानी आज 2 बजे जो राजभवन है वहां पे होने वाला है, लेकिन वो क्लियरेशन नहीं मिल रहा है कि क्योंकि वो भी जो बात है उनको छुपाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो नए मंत्रिमंडल है वो एक विस्फोटक के साथ वो नए मंत्रिमंडल की घोषणा होने वाली इसके लिए। जी बिल्कुल प्रणव, और क्या कुछ अपडेट है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, किसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखो पारुल, मैं एक बात तो बता दूं कि जो नए मंत्रिमंडल में जो भूपेंद्र पटेल के जो नए सीएम बने हैं उनके मंत्रिमंडल में पूरे जो यंग जो नेता है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जी दूसरी बात है कि जितने पुराने जो पूर्व मंत्रिमंडल में थे वो सभी लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है और निकाल भी सकते हैं, और वो भी बात बताई जा रही है कि जितने भी जो मंत्री थे जो विजेंद्र रूपानी में मंत्रिमंडल में थे वो लोग काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रणव, और अगर नितिन पटेल की बात की जाए तो देखिए नाराजगी कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर है जब से सीएम के चेहरे का ऐलान हुआ है। उसके बाद अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद नितिन पटेल की जगह भी किसी और को दे दी जाए। जी हाँ, वो भी काफी चर्चा में है कि नितिन पटेल को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो बात भी चर्चा में है कि नितिन पटेल को कोई भी दूसरे राज्य में उनको राज्यपाल की सीट दी जा सकती है, ऐसा यहीं पे गुजरात में काफी सारी चर्चाएं हो रही है। बिल्कुल प्रणव, और अगर मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री शामिल होंगे क्या उनकी संख्या भी आ चुकी है कि 6 मंत्री नए शामिल होने वाले हैं, 7 मंत्री, इसको लेकर कुछ अपडेट?
जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि जो नए मंत्रिमंडल की जो घोषणा होने वाली है और जो शपथ ग्रहण होने वाले हैं वो शायद 2 बजे हो सकता है, जो राजभवन है वहां पे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ और कितने नए मंत्री हैं और कितने पुराने मंत्री को निकालने वाले हैं, किसी भी प्रकार की घोषणा यहाँ पे हुई नहीं है अभी तक। जी चलिए प्रणव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसे में राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हालांकि कई युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसे में कौन कौन शामिल होने वाला है इसको लेकर स्थिति और नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, और लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कई चेहरे शामिल नहीं हो सकते हैं और पुराने चेहरों को जो है रिप्लेस किया जा सकता है। तो ऐसे में बता दें गुजरात में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक जो है वो चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली थी सोमवार को, अब लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है गुजरात में, ऐसे में आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है, हालांकि कई युवा चेहरा इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कई को शायद बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाए, हालांकि कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा इसको लेकर अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस का पराक्रम महाअभियान, जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए बुधवार से यानी कि आज से 15 दिवसीय प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करती है। इस अभियान के तहत कांग्रेस 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी और कांग्रेस से जुलाई में राज्य मुख्यालय में विशेष प्रशिक्षण टास्क फोर्स का गठन किया था और ये टीम लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है, ऐसे में अभियान के पहले चरण में कांग्रेस से 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था, पहला चरण 11 दिनों तक चला था और ऐसे में पहले चरण के लिए 7 मास्टर ट्रेनर टीमों का गठन किया गया था और हर टीम में 40 सदस्य बनाए गए थे। इन टीमों ने ब्लॉक के अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला और शहर समिति के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था। अब दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, तो यानी कि अब कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस चुकी है और ऐसे में तैयार पूरी कांग्रेस नजर आ रही है और आज से पराक्रम का ये दूसरा फेज शुरू करने जा रही है कांग्रेस, और जिसमें 30,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। डेंगू से हाहाकार, जी हां, फिरोजाबाद में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 10 और लोगों की डेंगू से मौत हो गई तो वहीं 4 दिनों में 39 लोगों की जान चली गई। मरने वालों का आंकड़ा 153 पहुंच गया है, जबकि अव्यवस्थाओं के चलते मरीज और उनके परिवार वाले परेशान हैं। किसी को बेड तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। यहाँ के 100 बेड अस्पताल में अव्यवस्थाओं से जिंदगी की दम तोड़ रहे हैं, ऐसे में फिरोजाबाद में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां मौत ना हुई हो। कई मोहल्लों की एक ही गलियों में एक से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है, तो ऐसे में डेंगू का कहर जो है वो फिरोजाबाद में जमकर कहर बरपा रहा है और ऐसे में ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों की अव्यवस्थाएं भी लगातार सामने आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठ कर अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बेड पूरी तरह से अस्पतालों में फुल हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार फिरोजाबाद में बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 10 लोगों की डेंगू से जान जा चुकी है। चलिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता किशन चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, अभी हालात फिरोजाबाद में कैसे हैं? ये बताना चाहूंगा, फिरोजाबाद के हालात जो है अभी भी जबकि जैसे कि तैसे बने हुए हैं और हालांकि 28 डॉक्टर लखनऊ से बुलाए गए हैं और भी 80 करीब वैसे डॉक्टर यहीं के जो है इलाज कर रहे हैं जी। और जो कि मैं बताऊं आपको कि कल से जो है एक ओपीडी चालू की गई है, जिसमें कि जो मरीज 100 से 150 प्रतिदिन जो पहुंच रहे हैं उनके लिए एक ओपीडी तैयार की गई है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा भर्ती हो, लेकिन इसके लिए जो है अगर सभी को अगर भर्ती किया जाएगा, डॉक्टरों का कहना है अगर सभी को अगर भर्ती किया जाएगा तो बेड बिल्कुल नहीं बचेंगे और जो जो कि सही जो तीमारदार हैं ये उनके बच्चों का इलाज नहीं हो पाएगा।
इसको लेकर एक ओपीडी तैयार की गई है, वहाँ पे ब्लड सैंपल दिया जा रहा है, वहीं पर दवाई दी जा रही है, वहीं पर जो भी चेकिंग की जा रही है डॉक्टरों द्वारा, तो इसको लेकर काफी मतलब व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है प्रशासन। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हालात जो है अभी भी सामान नहीं है और 100 से 150 रोज बच्चे आ रहे हैं, जो कि इसमें अब तक जो कि बताया गया है सीएमओ द्वारा कि 60 बच्चों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रतिदिन एक तो जो एक तो मौतें हो रही है बच्चों की, वो प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपाने की सही बात बताने में प्रशासन जो है घबरा रहा है। बिल्कुल किशन, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौत ज्यादा हो रही है और आंकड़ा कम दिखाया जा रहा है। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर की बात की जाए तो उस समय भी यही हुआ था, यूपी हो या तमाम राज्य ऐसे थे जहां पर मौत का आंकड़ा कुछ और था लेकिन आंकड़ा कुछ और दिखाया जा रहा था। तो क्या फिरोजाबाद में भी अब डेंगू के मामलों में यही हो रहा है? ये मैं बताना चाहूंगा कि हम जो है जब से ये जो बीमारी फैली है तब से सौसैया अस्पताल पर लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो खबरें हम लोग भेज रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर चल भी रही हैं। और जो कि अभी 4 दिन पहले जो है अगर सीएमओ से बात की गई थी तो उसमें उन्होंने 55 का आंकड़ा बताया था, जबकि उसके बाद में 4 मौतें एक हुई, 2 मौतें हुई और 1 मौत और हुई। उसके बावजूद भी कल सीएमओ साहब ने ये बताया कि अब तक 60 मौतें हुई हैं, तो कल इस बात पे बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है मौत का आंकड़ा छुपाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि प्रशासन जो है इलाज कराने में बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है बावजूद इसके, लेकिन जो मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन मौत का आंकड़ा छुपाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल किशन, और जिस तरह से आपने अभी बताया कि लखनऊ से भी टीमें बुलाई जा रही हैं, देखिए कई अलग अलग जगहों से टीमें बुलाई जा रही हैं लेकिन फिर भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े हो, हर रोजाना मामले लगातार सामने आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में तैयारी जब की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं जब अच्छी दी जा रही है, फिर क्यों मामले बढ़ रहे हैं? ये बताना चाहूंगा इस समय जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से जो कि टीमें लगाई गई हैं और जहां जो क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर डेंगू वायरल के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं उन क्षेत्रों में जाकर टीमें काम कर रही हैं। वहां पर लोगों को बताया जा रहा है जैसे कूलरों में जो पानी भरा रहता है उसमें मच्छर पनपते हैं और कूलरों से घास हटवाई जा रही है और जो जो फ्रिज है उसकी जो ट्रे होती है उसमें पानी भरा रहता है, उसमें भी जो मच्छर है, इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसमें सीएमओ स्वयं लगे हुए हैं और हालांकि कोशिश बहुत कर रहा है प्रशासन लेकिन जो राहत है वो नहीं मिल पा रही है जी। और जो स्वास्थ्य विभाग के जो कई यहाँ पर लखनऊ से टीम आई हुई है और वो भी यहाँ के डॉक्टरों से मिलकर काम कर रही है लेकिन जो लेकिन लगातार जो है तीमारदार जो है वो आरोप लगाते देखते दिखाई देते हैं कि उनके सही से इलाज नहीं मिल रहा है। लेकिन जहां तक अगर हकीकत अगर देखी जाए तो स्वास्थ्य विभाग इसमें कोई कमी नहीं बरत रहा है लेकिन जो हालात है वो काफी बिगड़े हुए हैं, जिसको कंट्रोल में लाने के लिए समय लगेगा। जी बिल्कुल किशन, आप लगातार नजर बनाइए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिरोजाबाद में डेंगू का कहर जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में फिरोजाबाद में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर मौत ना हुई हो या फिर जहां पर मामले ना आए हो। ऐसे में कई मोहल्लों की एक ही गलियों में एक से ज्यादा बच्चों की मौत भी हो रही है। तो हालात अभी भी फिरोजाबाद में हर बीते दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए हैं। घर की बात की जाए तो घर में भी हर घर में मरीज जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले यूपी में ये डेंगू और वायरल फीवर का कहर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरतना से बीजेपी विधायक संगीत सोम का वीडियो इस समय चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो इसमें टिकट को लेकर बोल रहे हैं, साथ ही वो इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को नहीं मालूम कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। लोगों का कहना है कि वो इस वीडियो में सरतना से टिकट का दावा करने वालों पर वहां तंज कस रहे हैं। इस वीडियो में बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने कहा
कहा कि ध्यान रखना, ये जो लोग घूम रहे हैं इनको मैं पूरी तरह से जानता हूं, इनकी चक्री कहां से घूम रही है मुझे सब पता है, जो भी आएगा वो यही कहेगा कि मेरा टिकट पक्का हो गया है, कोई कहेगा मेरा टिकट हो गया साहब, मेरा टिकट 200% हो गया, पता नहीं किसकी जेब में रख दिया गया टिकट। तो ये तमाम बातें संगीत सोम की तरफ से की गई है और ऐसे में उन्होंने तंज भी कसा है गृह मंत्री अमित शाह पर। बाराबंकी में कोर्ट का आदेश न मानना थानेदार और नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया। दरअसल यूपी के बाराबंकी कोर्ट ने पहले इन्हें खंडो न्यायिक अभिरक्षा में खड़ा रखा और इसके बाद इनको जेल भेज दिया। दरअसल यहां जमीन के एक मामले में कोर्ट के स्टे के बावजूद पुलिस प्रशासन ने निर्माण गिरवाया था और ऐसे में कोर्ट से स्टे बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने विपक्षियों के पक्ष में निर्माण करवा दिया था। ऐसे में जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में अदालत की अवमानना की शिकायत की थी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने बेहद कड़ा एक्शन लेते हुए दोनों को सजा सुनाई है। वहीं इस आदेश के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नित्यानंद श्रीनेत्र की कोर्ट में अपील की गई जिस पर उन्होंने फैसले पर थाना नगदीश दे दिया है। तो ऐसे में बता दें कि कोर्ट का आदेश न मानना थानेदार और नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया। बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर बता दें कि फैसले को लेकर ये पूरा खेल सामने आ रहा है और ऐसे में आदेश न मानना इन दोनों को ही थानेदार और नायब तहसीलदार को महंगा पड़ गया है। कि हमारी जगह की हमने दावा किया था कि हमारी जगह पर कब्जा न करें और उसमें हमारी दीवार बनी थी, मकान बना था, उसका ऑर्डर हुआ, इसके ऑर्डर हो गया कि दिलाया न जाए, लेकिन उस ऑर्डर की अवहेलना करते हुए दारोगा ने जाके मशीन लगा के दीवार हमारी गिरा दिया और कब्जा करा देना चाहते थे। उसके खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन दी गई कि साहब आप अपने ऑर्डर को कम से कम इन्फोर्स करा दीजिए। उस ऑर्डर के इन्फोर्समेंट में नोटिस गया। आज जिस मामले में सजा मिली है वो कंटेम मूव किया गया रिकॉर्ड किया, न्यायालय ने इससे जारी कर रखा था और उस आदेश की अवमानना उनके द्वारा की गई थी और उसी मामले में सुनवाई के बाद ही सजा। कब का ये केस था, कब इस पर ये केस फाइल हुआ था? 1 जुलाई को, और उसमें फाइलिंग की डेट को ही इंजंक्शन ग्रांट किया को और जो विपक्षी थे जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे उनको रोका गया और आप जो है इनके कब्जे में हिस्से अपने गए। बलरामपुर में दबंगों की दबंगई सामने आई है। दरअसल ऐसे में पूरा मामला ये देहात कोतवाली हरिहरगंज बाजार NH का है जहां दबंगों ने युवक को हॉकी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन सब में पुलिस भी मूक दर्शक बनकर दबंगों का पूरा कारनामा देख रही थी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर युवक की पिटाई की गई है। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है जहां पर दबंगों की दबंगई देखी गई और ऐसे में जमीन के विवाद को लेकर युवक की पिटाई की गई है और हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस भी वहां पर मौजूद मूक दर्शक बनी हुई इस पूरी घटना को देखती रही। अब इस घटना का वीडियो भी बना लिया गया था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फरुखाबाद में DM ने जिला अस्पताल लोहिया का औचक निरीक्षण किया। बता दें अचानक औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं DM ने पीकू वार्ड और इमरजेंसी वार्ड डिस्पेंसरी समेत डॉक्टर चैंबरों का निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सक्सेना की जमकर क्लास भी लगाई। तो बता दें DM ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और ऐसे में लोहिया अस्पताल का निरीक्षण करने जब DM पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया। ऐसे में कई वार्डों का उन्होंने निरीक्षण किया जबकि उन्होंने जहां जहां पर कमियां पाई गई उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सक्सेना की जमकर DM ने क्लास भी लगाई। बलरामपुर में मां बेटी की तालाब में डूबकर मौत होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इधर मायका पक्ष ने जान से मारकर तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। पूरा मामला बलरामपुर जनपद के
उतरौला तहसील अंतर्गत थाना रहरा बाजार के ग्राम सभा अचलपुर रूप में तालाब में मां बेटी का शव मिला है। बता दें, स्थानीय पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बलरामपुर का पूरा मामला है जहां पर मां और बेटी का तालाब में डूबता हुआ शव मिला और ऐसे में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हरदोई देहात कोतवाली के ग्राम कोड़ा में सोमवार की रात घर के कमरे में चारपाई पर सो रहे हिस्ट्री चीटर के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसी के भाई ने हत्या कर दी और वहां से भाग गया। बता दें, हिस्ट्री चीटर के दूसरे भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई और इसमें बताया गया है कि मृतक की पत्नी हत्या आरोपी भाई के साथ रहती थी। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। कोड़ा निवासी मुन्ना हिस्ट्री चीटर था जिसको सोमवार की रात वो घर में कमरे में चारपाई पर सो रहा था और इसी दौरान उसके छोटे भाई प्रभु ने कुल्हाड़ी से उसके सर और चेहरे पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर प्रभु मौके से फरार हो गया। इधर चीख पुकार सुनकर परिजनों और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सूचना मिलने पर सीयू सिटी विकास जायसवाल और कोतवाल गंगेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और मामले की अब छानबीन की जा रही है। अब कोड़ा कोतवाली देहात में भाई ने भाई की हत्या की है। उसका नाम है मुन्ना लाल, मुन्ना और पुत्र छोटे लाल, उम्र 50 वर्ष थी और ये सो रहा था। इसका सगा भाई प्रभु कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी है, जिसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या के प्रथम दृष्टया कारण क्या सामने आया है? इसमें जमीन और कुछ संबंधों का भी जिक्र है, अवैध संबंधों का उसकी पत्नी से, इसमें भी विवेचना प्रचलित है। घटना ये हुआ कि मुन्ना जेल चले गए। हाँ, मुन्ना की औरत प्रभुन ले ले। मुन्ना जब जेल, 5 बच्चा प्रभु के रे हो चुके। मुन्ना की एक लड़की नहीं हती। वही के बाद में इनको औरत के चक्कर में विवाद लड़ाई होती हती। पिछले साल मुन्ना नेरे इन्हें प्रभु नेरे औरत का मारून तो प्रभु मुन्ना नेरे प्रभु के बाँह तोड़ डाल देते। तो वह धीरे धीरे इनको विवाह चलती रहो तो कहा रहे कि हम मार दी वो मुन्ना तुम्हें मार रही हो। लेकिन हम लोगों ने जो उन्हें था लगा जो कुछ जान तेरे मारती है। हाँ, कल इन्हें वो सोते तो कमरा में आया, अब इन्हें मार दई कुल्हारी। कोई बाल बच्चा जितने रहते घर वहाँ वो सब चिल्लाने चाचा ने मार डारो। तो हमारो पड़ोस वहाँ घर है, तो बता दें हरदोई का पूरा मामला था जहां पर हिस्ट्री शीटर के उसके भाई ने ही कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हालांकि अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जांच की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।